Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Irfan Ansari. Today we are going to discuss our first chapter, chemical thermodynamics. जो हमारी एच सी की कोर्स आउटलाइन में पहला चैप्टर है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स. इसका आज हम इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर लेते हैं. केमिकल थर्मोडाइनमिक्स क्या होती है, बेसिक टर्म्स इसमें कौन सी हैं, ठीक है, और इसी तरह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में इस चैप्टर को देखेंगे. तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक बात है कि ये जो चैप्टर है ना केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर पॉइंट ऑफ व्यू से. और दूसरा, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है, यानी इसमें स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं, पॉइंट्स उनको क्लियर नहीं होते. तो अगर आप इसको समझेंगे, शुरू से ही अपने कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी. कंसेप्चुअल चैप्टर है ये. तो इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा केमिस्ट्री की और फिज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्योंकि आप पहले सेमेस्टर में फिज़िकल केमिस्ट्री पहली बार इसमें पढ़ रहे हैं अपने सेशन में. तो एटलीस्ट डेफिनेशन आपको उसका आइडिया होना चाहिए. केमिस्ट्री क्या है आपको पता है कि ये साइंस के हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं. मैटर की क्या चीज़, पहली चीज़ कंपोजिशन, यानी मैटर किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है. दूसरा स्ट्रक्चर, यानी वो जिन चीज़ों से मैटर मिलकर बनी हुई है वो किस तरतीब से आपस में जुड़ते हैं, क्या स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है, तो एक मैटर बनती है, यानी मैटर का स्ट्रक्चर क्या है. दूसरा, उस मैटर जिन चीज़ों से मिलकर बनी है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़, जब वो मिल जाती हैं, एक मैटर कोई चीज़ बन जाती है तो मैटर की क्या खसूसियात हैं, क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, उनका हमारे पास जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर है, ऑर्डर है, ये चीज़ें, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस. तो ये एक मैटर की ये चार चीज़ें, यानी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन को स्टडी करना, ये केमिस्ट्री है. फिज़िकल केमिस्ट्री में हम इसको इन शॉर्ट अगर देखें तो बेसिकली ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है. फिज़िक्स के लॉज को, फिज़िक्स की थ्योरीज़ को, फिज़िक्स की टेक्निक्स को केमिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए केमिकल सिस्टम पे अप्लाई करना, ये फिज़िकल केमिस्ट्री है. ये इन शॉर्ट इसकी डेफिनेशन ये हो गई, ठीक है. उसके बाद इन शॉर्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, जो हमारा बेसिक ये चैप्टर है. केमिकल थर्मोडाइनमिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ हीट and work with chemical reactions or with physical changes of the state. Quantitative relationship analysis दो types का होता है, qualitative, quantitative. Chemical thermodynamics में हम calculations करते हैं, quantity find करते हैं. ये quantitative relationship है किसका, heat and energy, heat and work. Work ये दोनों जो heat है या work है, ये दोनों energy की ही forms हैं. तो मतलब energy की इस form का, heat का किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन, जैसे देखें केमिकल रिएक्शन होगा उसमें चेंजेस आएंगी, उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो चेंज होंगी. केमिकल एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी में चेंज हो रही है, कोई एनर्जी की एक फॉर्म किसी दूसरी फॉर्म में चेंज होगी. हीट उसमें से इवॉल्व भी हो सकती है, हीट उस वो हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, उस पर कोई वर्क होगा, ठीक है, मैकेनिकल वर्क है, वॉल्यूम वर्क है, ठीक है, वो डिपेंड करता है. तो इन तमाम चीज़ों का जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी चेंजेस, जो भी चेंजेस आ रही हैं, उनका हीट के साथ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करना ये केमिकल थर्मोडाइनमिक्स है. या इन शॉर्ट अगर हम इसकी आसान डेफिनेशन को देखें तो क्या है, द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ हीट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जितनी हीट इन्वॉल्व है उसका दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी की फॉर्म है, एंथैल्पी भी एनर्जी की फॉर्म है, एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, मैकेनिकल वर्क है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, कोई भी किस्म का वर्क हो, तो ये एनर्जी की फॉर्म्स हैं. तो इनका हीट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इसको मैथमेटिकली क्वान्टिटेटिवली स्टडी करना ये केमिकल थर्मोडाइनमिक्स. और वैसे भी जो वर्ल्ड भी ये केमिकल थर्मोडाइनमिक्स लफ्ज़ भी इंडिकेट कर रहा है. थर्मोडाइनमिक्स क्या है, थर्म मीन हीट और डायनामिक्स का मतलब चेंज. इसका जो अपोजिट है डायनामिक्स का आपको पता है, स्टैटिक्स, स्टेशनरी. तो
तो हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल थर्मोडायनामिक्स। इसमें एक चीज़ रिलेट करके हम थर्मोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, वो भी इससे रिलेटेड है। वो क्या है कि स्टडी ऑफ चेंजेस इन एनर्जी या हीट दैट अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान, जितनी हीट चेंजेस में या एनर्जी में चेंजेस आती हैं उनको स्टडी करना, ये थर्मोकेमिस्ट्री है। ये रिलेटेड टर्म्स हैं थर्मोकेमिस्ट्री और केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ये होगी इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब ये जो हमारे पास एक टॉपिक है, एक पूरी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मकासद हैं, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, तो उसमें ये कहता है कि सब तीन इसमें मेन ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले ये हमें बताएगा केमिकल थर्मोडायनामिक्स एक केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि अगर हम सपोज कोई दो रिएक्टेंट्स को मिलाकर प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो क्या वो दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके वो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट देते हैं या नहीं देते, यानी उन दो रिएक्टेंट्स के दरमियान रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स हमें किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में, उसकी स्पॉन्टेनियटी के बारे में बताता है। इसको यूँ आप समझ लें कि हम वाटर बनाना चाह रहे हैं, तो हमें पता है, कौन हमें ये बताएगा कि वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कौन कौन से रिएक्टेंट्स चाहिए, यानी हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में अगर आपस में रिएक्ट करें तो वाटर बनता है, यानी वाटर बनाने के लिए ये दो रिएक्टेंट्स चाहिए, ये हमें किसने बताया, ये हमें केमिकल थर्मोडायनामिक्स ने बताया। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी फिजिबिलिटी हमें कैसे पता चलती है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स से। ये कैसे पता चलती है इसको हम आगे जाकर देखेंगे, यानी गिब्स फ्री एनर्जी एक टर्म इसमें यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव में है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन फिजिबल है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसको डिटेल में हम आगे जाकर देखेंगे। दूसरा, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताती है कि एक रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन के नतीजे में कितना प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट की यील्ड क्या होगी, ये प्रेडिक्ट करता है कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन रिएक्ट करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यानी इसमें हमें ये बताएगा कि किस टाइम तक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जैसे ही इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा उसके बाद नेट गेन इन प्रोडक्ट नहीं होगी, यानी उस टाइम पे इक्विलिब्रियम स्टेज पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, जितना प्रोडक्ट बनता है उतना ही वापस कंज्यूम होकर रिएक्टेंट में चला जाता है, नेट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में उसकी यील्ड में जो है वो इजाफा नहीं होता इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम रिएक्टेंट करवा रहे हैं और मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें उससे हासिल हो, तो उसके लिए हम ऐसी कंडीशंस सेट करते हैं कि इक्विलिब्रियम को क्या करें, लेट करें, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी एस्टेब्लिश ना हो, इक्विलिब्रियम को हम आगे लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो इसका मतलब रिएक्शन तो स्टॉप हो गया, वैसे स्टॉप नहीं होता, यानी रिएक्शन चलता तो रहता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, तो हम उसको ये कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट की नेट कंसंट्रेशन नहीं आ रही। ठीक है, तो ये केमिकल थर्मोडायनामिक्स प्रेडिक्ट करता है कि एक रिएक्शन आप कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम कितनी यील्ड आप प्रोडक्ट गेन कर सकते हैं। तीसरी चीज़, केमिकल थर्मोडायनामिक्स की मदद से हम बहुत से आगे जो फिनोमिनाज होती हैं सॉल्यूशंस के या ये चीज़ें हैं, तो इनको प्रोसेस हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हम उनको समझ सकते हैं, उनको ये एक्सप्लेन करता है। जिस तरह ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, फेज लॉ वगैरह, तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो होती हैं सिस्टम के अंदर, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए केमिकल थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करना पड़ता है। ये सारी हमें पता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में ऐड करें तो उस सॉल्यूट की ये प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, यानी अगर सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर है कुछ, उसमें जब हम कुछ कोई और सॉल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्या है, कितनी उसके अंदर डिप्रेशन होगी, कितना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, क्वांटिटेटिवली केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन तीन चीज़ों को स्टडी करने के लिए एक सिस्टम की हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक, इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स जो इस केमिकल थर्मोडायनामिक्स में थ्रू आउट द चैप्टर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, इसका कंसेप्ट बहुत इसमें यूज़ होता है।
तो वेरी सिंपल, पूरी जो यूनिवर्स है हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ठीक, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। तो सिस्टम वो चीज़ है कि वो यूनिवर्स का वो छोटा सा हिस्सा है, वो पार्ट है जो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जो अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है, वो सिस्टम है जिस जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसके साथ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसको हम डील कर रहे हैं। ठीक है,